हाँ अच्छा, टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, प्रोग्रेसिव है। साइंस के हिसाब से तो यानी कंफर्म्ड है कि कोई क्रिएटर है नहीं। किसी को बुरा लगेगा तो क्षमा चाहता हूँ पहले ही, यानी नहीं नहीं कोई क्योंकि आप हम अपना लोग मुद्दा निरंतर। रखिए सर। हाँ, मैं मुद्दा ही रखता हूँ क्योंकि मैं साइंस को मेरा मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ किसी भी इस पे। तो साइंस के हिसाब से क्रिएटर है भी नहीं बोल सकते, नहीं है भी नहीं बोल सकते। साइंस इसमें ड्यूअल इसमें है, ने कोई मानता है क्रिएटर है, कोई मानता है क्रिएटर नहीं है, लेकिन 100%। अपना आप अपना मुद्दा रख दीजिए, हाँ, आप क्या मानते हैं क्रिएटर है कि नहीं। मैं भी एग्नोस्टिक हूँ, मैंने एथियस्ट हूँ लेकिन एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ कि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि क्रिएटर है या नहीं है। क्योंकि क्रिएटर रहेगा भी तो आजकल के जो मेजर रिलीजन्स हैं उनके रिलीजन का तो क्रिएटर नहीं है, इसमें मैं कंफर्म चले ये हूँ। बात की बात, पहले भाई ये बात की बात हाँ है। अगर आप मुझे इजाजत दें, या सैम भाई आप बात करना चाहेंगे? हाँ बोलिए ना अली भाई आप कंटिन्यू करिए प्लीज। ओके अच्छा, आर वर्ल्ड भाई आप एग्नोस्टिक हैं, ठीक है, इतनी जानकारी आप रखते हैं। ये बात की बात है, पहले ये तय कर लें कि कोई क्रिएटर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं कहूं कि आर वर्ल्ड है ही नहीं है, और फिर मैं ये बात आर वर्ल्ड में करने लग जाऊं, ये तो कोई बात नहीं है ना। पहले ये तय कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो आर वर्ल्ड है, वो कौन है, वो बाद की बात है कि कौन सा रिलीजन उसके बारे में दुरुस्त राय रखता है, कौन सा रिलीजन दुरुस्त नहीं रखता, ये बाद की बात है। पहली बात है ये तय कर लें हाँ, कि वो है मैंने या नहीं मान है। लिया ना, मैंने रुक मान जाए लिया भाई, ना, क्या मान लिया हेलो, मैंने मान लिया है ना कि क्रिएटर क्या? रहेगा तो ओके क्रिएटर रहेगा तो हमारे जो कन्वेंशनल जो थॉट्स है उस थॉट के हिसाब से नहीं रहेगा। प्यारे भाई रुक जाए ना, अभी तो तय नहीं हुई कोई भी बात। आप भी वही बात कर रहे हैं कुछ जिसका ना सर है ना पैर है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। चलो कायनात के बारे में हमारा टॉपिक यह है कि क्या कायनात खुद से बन गई है। ये कायनात जो है ये बताएं, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है या ये खुद बखुद ही आ गई थी कहीं से? कोई स्टार्टिंग पॉइंट इसका नहीं। नहीं है ना, स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा चले ठीक है। आरवल जी मैं अब आपसे ये पूछूंगा कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो, जो चीज मौजूद ना हो, और फिर आपके पीछे से गड़बड़ हो रही है, एक मिनट म्यूट कीजिएगा, हाँ आपके बोलिए। पीछे से शोर है। हाँ मुझे ये अच्छा, बताइए कि एक चीज नहीं थी वो खुद बखुद कैसे आ जाती है जबकि उसको कोई लाने वाला ना हो। हाँ यानी आप क्लासिकल साइंस के हिसाब का रीजनिंग दे रहे हैं, लेकिन अभी क्लासिकल साइंस को इतनी उससे भी ज़्यादा क्वांटम मैकेनिक्स को अहमियत दी जाती है। क्वांटम अरे भाई मैंने मैकेनिक्स जो में मैंने प्रोबेबिलिटी है, मैं मैंने मैंने मैं वही बोल रहा हूँ ये ना, चीजें नहीं, मैं मुझको बोलने दीजिए। आप बोलिए लेकिन बात खुद ही पॉइंट करें। मैंने ये कहा है कि एक चीज नहीं थी, एक हाँ, चीज नहीं रीजनिंग, थी। आपकी जो रीजनिंग है ना वो क्लासिकल हाँ रीजनिंग है, क्लासिकल साइंस के ये हिसाब गलत से है, रीजनिंग है, जो ये न्यूटनियन गलत है। मैकेनिक्स है। हाँ गलत अरे है, भाई क्वांटम गलत है तो मैकेनिक्स बताएं, इसको दलील गलत दे साबुत दें, कर देता है पूरा। दलील दे दें आप मुझे क्वांटम दलील। मैकेनिक्स अरे में फोटोन भाई के ड्यूअल नेचर रहते हैं। आरवर्ल्ड एक मिनट रुकना, आप बात समझे नहीं। हाँ, अरे भाई मैं समझा आपकी बात। एक वक्त था कि आप नहीं थे, तो आप खुद ही नहीं, आ गए थे फिर। वो बहुत पुराने आर्गुमेंट्स हो गए भाई साहब, वो चले पुराने पुराने आर्गुमेंट्स हो सही, गए। पुराना आर्गुमेंट अगर आर्गुमेंट हो ना, वाकई आर्गुमेंट हो जिसको डिबंक नहीं किया जा सकता, तो पुराना नहीं रहता, वो तरोताजा होता उसको है। डिबंक किया डिबंक है कर दें, साइंस आप ने। खुद आ गए। अरे भाई हाँ, साइंस मैंने से बोला कहां ना, पर, यार डिबंक फिर किया वही है। बात, आरवर्ल्ड आपने डबल स्लिट आरवर्ल्ड एक्सपेरिमेंट का नाम सुना आरवर्ल्ड है? आरवर्ल्ड मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आरवर्ल्ड जी आप खुद से आ गए हैं, साइंस ने कैसे डिबंक किया, कैसे साइंस ने ये एक्सप्लेन किया कि आरवर्ल्ड खुद ही आ गया था? किस साइंस में है? बायो में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, जियो फिजिक्स में है, किस में है? आर्गूमेंट तोड़िए। और यहां पर जो आपने साइंस के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि साइंस ने इस आर्गूमेंट को अब तोड़ दिया है, वो मुझे दिखाएं कि साइंस ने वो आर्गूमेंट कहां दिया प्लीज। अच्छा, आपको थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी मालूम है ना, मुझे थ्योरी थ्योरी ऑफ ऑफ प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्यारे मैं वही बोल भाई रहा हूँ, आपको समझा प्यारे रहा हूँ प्यारे भाई आपको, एक क्वांटम मिनट रुकना, मैकेनिक्स। एक मिनट मैं आपको हाँ समझाता हूं, आप मुझे ना समझाएं, मुझे ये बताएं थ्योरी क्या होती है। बेसिक पे बात करते हैं, थ्योरी क्या होती है, व्हाट इज थ्योरी? प्रूवन प्रूवन है, वो प्रूवन है क्वांटम हो तो थ्योरी मैकेनिक्स कैसे? के, क्वांटम प्यारे भाई मैकेनिक्स के, प्रूव, क्वांटम प्यारे भाई मैकेनिक्स एक के मिनट पूरे रिजल्ट्स है वो यार, प्रूवन है। आरवर्ल्ड अगर वो प्रूवन है तो वो थ्योरी क्यों है, वो लॉ क्यों नहीं बना? क्वांटम मैकेनिक्स वो पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज में, पढ़ाई यार मैं कह रहा जाती हूं है क्वांटम एवोल्यूशन भी पढ़ाई मैकेनिक्स, जाती और है, बिग बैंग भी पढ़ाई जाती है, वाइटल फोर्स थ्योरी भी पढ़ाई जाती रही थी। बड़ी बड़ी थ्योरीज मैं आपको अभी निकाल के यहाँ भाई दिखाऊंगा साहब कुछ यार। क्वांटम सिर्फ बात तो सुनो ना, मैकेनिक्स, बात क्वांटम बात सुन मैकेनिक्स लो का यार, यूज हम लोग नहीं आरवर्ल्ड करते बात थे ना, तो सुनो एरोप्लेन यार, लैंड नहीं बात होता सुन था। लो,
यार फिर वही बात, फिर वही बात। हाँ बोलिए हार्वर्ड सुनो बोलिए। तो सही, कह रहे भाई मैं ये कह रहा हूं कि जो थ्योरी है वो थ्योरी क्यों है, लॉ क्यों नहीं बन गया अगर वो प्रूवन है तो? अरे भाई वो थ्योरी नहीं है अभी, थ्योरी वो प्रैक्टिस हो चुकी है, वो उसके रिजल्ट निकले हैं, तो प्रैक्टिकल्स लॉ हो बन गया चुके हैं ना फिर, उसके। लॉ बन गया होगा हाँ लॉ ही है, क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज है वो, क्वांटम मैकेनिक्स के यार। लॉज है। क्वांटम मैकेनिक्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं। जो मैं थ्योरी है वही आप कह रहे हैं कि वो आपको आज भी थ्योरी है। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था। आप क्लासिकल फिजिक्स के आप आर्गुमेंट्स पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं, और मैं आपको यही बता रहा हूँ, क्लासिकल फिजिक्स कह रहे से भाई अभी बात दुनिया देखो बहुत ऊपर ना, गई है। चल छोड़ दो, अब फिजिक्स को भी छोड़ दो, साइंस को भी छोड़ दो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपने जो आर्गुमेंट साइंस ने कहा, आप कह रहे हैं कि साइंस किसी ने, यार फिर आपके पीछे से ये आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, इसको म्यूट कर लें 1 मिनट। मुझे ये बताएं कि जब मैंने ये आर्गुमेंट रखा कि क्या आप खुद को खुद आए, तो आपने कहा जी बिल्कुल साइंस ने आपका ये पुराना आर्गुमेंट खत्म कर दिया है। बताएं कहां पर साइंस ने कहा है कि ये खुद बखुद आ पाए, वो दिखा दें। ये कौन सा लॉ बन गया नया, वो मुझे बताएं, मुझे तो नहीं पता, पब्लिक को भी नहीं पता, तो थोड़ा सा हमारी जानकारी में इजाफा कर लें, हमें खुशी होगी। क्यों मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो माइक्रो लेवल पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्वांटम मैकेनिक्स के रूल से गवर्न होते हैं, और उसके रिजल्ट्स हैं, उसको अच्छा आज रूल्स तक है ना कुछ किसी बने ने, हुए, हाँ कह रहे उसको भाई आज तक किसी ने एक डिबंग मिनट नहीं रुको किया है, और वो यार, प्रोबेबल रुको यूनिवर्स है। यार रुक जाओ, तुम्हें आपको अभी तक आरवर्ड समझ ही नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं। यार एक चीज नहीं है, साइंस तो ये कह रही है, साइंस तो ये कह रही है कि भाई काज एंड इफेक्ट लॉ उसको मान रही है। दूसरी बात आपको मैं साइंस की महदूदियत बता दूं, कह रहे भाई अच्छा हार्वर्ड, रुक जाओ ठीक यार है मेरी बात भी बताइए। सुनो, आपकी मैंने सारी कहानी सुनी है, आप मेरी बात सुनो, और अगर इसमें कोई झोल हो तो मुझे बताना। साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन से चलती है प्यारे भाई, ऑब्जर्वेशन से। क्यों थ्योरियां थ्योरियां हैं, इसलिए क्योंकि उनको ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता। साइंटिफिक मेथड में सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन है प्यारे भाई, जिस चीज को आप ऑब्जर्व नहीं कर सके उस चीज का आप ला उस चीज, यार फिर आपके पीछे से ये शदीद आवाजें आ रही हैं, इसको आप 2 मिनट म्यूट नहीं कर सकते यार, 2 मिनट म्यूट कर लें यार, मेरी बात सुन लें, हाँ बोलिए म्यूट कर बोलिए। लें। आर वर्ल्ड प्यारे भाई, साइंस जो है ना वो ऑब्जर्वेशन से चलती है, और साइंस साइंस महदूद है कि वो जो चीजें दिखाई देती हैं उन्हीं को ऑब्जर्व आप कर सकते हैं, वो उन्हीं के बारे में बात करती है, वो कायनात के बारे में बात करती है। साइंस ने, एक्चुअल जो साइंस है उसने कभी खाल के कायनात को टॉपिक बनाया ही नहीं, वो उसका मौजू ही नहीं, उसका मौजू तखलीक है, कायनात है जो सामने मौजूद है, साइंस उसी के साथ डिस्कस और बहस करती है। इसलिए मुझे दिखाएं फिजिक्स में कहीं पर आप कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड डिस्कस किया गया है, केमिस्ट्री में किया गया है, फिजिक्स में किया गया है, कहां पर किया गया है, कौन से सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पढ़ाया जाता है, साइंस के किस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, फिलोसफिकल साइंस के अलावा। फिलोसफी तो एक अलग चीज है, वो भी एक साइंस है, लेकिन इसके अलावा मुझे बताएं ये जो बेसिक साइंसेज हैं इनमें से किस में टॉपिक बनाया गया खुदा के वजूद को, वो बता दें मुझे। अब इधर किताब निकाल के देख लेते हैं कि आप सच कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। वो यार वो साइंस की, वो जिनकी मेटाफिजिक्स की या जिस चीज की भी आप बात कर रहे हैं जो पढ़ाई जा रही है, वहां पर अभी तक ये चीज तो डिस्कस ही नहीं की कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को तो टॉपिक ही नहीं बनाया इन साइंसेज ने जिनकी आप बात कर रहे हैं हमारे साथ। बताएं किसने किया है, कौन सी साइंस की किताब में हार्वर्ड? ना आपको अनम्यूट कीजिए आर साहब। अरे भाई हेलो हेलो, मेरा ख्याल है उन तक हमारी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं टाइम को मजीद जो है ना वो हाँ बोलिए। आवाज आ रही है जी आवाज? यार जी आवाज आप आ रही बात है, कीजिए। आपसे कुछ पूछा था प्यारे भाई। हाँ, आप पूछ रहे थे कि साइंस ने कभी गॉड का कंसेप्ट डिस्कस किया है कि नहीं, सही है? हाँ साइंस की किस ब्रांच ने, फिजिक्स ने, केमिस्ट्री ने, बायोलॉजी ने, टॉपिक किसने रख के उसको डिस्कस किया मुझे बताएं। सिलेबस का हिस्सा कब से ये टॉपिक बनाया, किस साइंस में बना वो बताएं, नहीं, सिलेबस का तो हिस्सा नहीं बना है, क्योंकि वो बहुत क्यों नहीं वॉक बना, टॉपिक है, प्रोबेबल क्यों है नहीं बना वो। प्यारे मैं वो वही बोल रहा भाई? हूँ ना, प्रोबेबल है। आर भाई साइंस एक ने मिनट रुक जाए यार, साइंटिस्ट फिर लोगों वही ने बात ना डिस्कस किया है इसके बारे में, यार, एक मिनट रुक आपको जाओ ना जानना। यार प्यारे भाई। आर आपने अब मेरी बात को ऑन कर लिया कि ना फिजिक्स ने, ना केमिस्ट्री ने, ना बायो ने, ना मेटाफिजिक्स ने किसी के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर बात ही नहीं की गई, उनको सिलेबस का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। साइंटिस्ट क्या समझते हैं कुछ चीजों के बारे में, क्या क्यास सराई करते हैं, उनको ये राइट है तो वो क्या सराई कर रहे हैं, उनको क्यास के तौर पर रखें। आप क्यों कहते हैं कि ये साइंस में है, साइंस ने ये साबित कर दिया, ये झूठ तो ना यार बोले पब्लिक के साथ, आप पब्लिक के सामने आप ये झूठ तो ना बोले।
बोलूं मैं? हाँ जी बोले। हाँ, देखिए, पहले गॉड का कंसेप्ट है, शुरू में जब आदमियों को मालूम नहीं 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 था ये नहीं वो पूछा, ओ में थे। छोड़ने हर वर्ड आप फिर और तरफ जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने कहा साइंस आप नहीं है, बोल क्या रहे किया, फिलोसोफर साइंस ने की किस डिस्कस ब्रांच किया में ना गॉड किया? का कंसेप्ट, मेरे भाई आप मेरे बोल रहे भाई फिलोसोफर ने आरवर्ड, डिस्कस किया ना। यार मेरी बात सुनो, आरवर्ड छोड़ दो। मैंने पूछा कि आपने मान लिया इस बात को कि भाई साइंस में ये नहीं है, तो मुझे बताएं कि आप ये आके क्यों कह रहे थे कि साइंस ने ये साबित कर दिया कि कोई खुदा नहीं। साइंस ने डिबंक कर दिया, साइंस साइंस ने ने तो इसको डिबंक कर टॉपिक ही दिया। नहीं बनाया ना, साइंस कभी इसको टॉपिक बना सकती है प्यारे भाई? क्यों नहीं बना आज तक सकती? साइंस ने इसको बताया, फिर फिजिक्स ने बनाया टॉपिक, क्यों पब्लिक को यार झूठ बोल रहे हैं कि साइंस ने ये रीजनिंग कर दिया? तो, रीजनिंग के हिसाब से हर चीज का रीजनिंग दिया जा सकता है, लॉजिक के अरे ब्रांच है भाई साइंस की। चलो ठीक है दिया जा सकता है, मंतक एक अलग अलग ब्रांच है। मैंने आपको पहले कहा कि उसको उसका ताल्लुक फलसफे के साथ है। आप जब फलसफे में आएंगे तो ये जो आप साइंसेस की बात कर रहे हैं इनके साथ फलसफा नहीं चलता, उसकी अपनी एक मंतक है, उसकी अपनी एक रीजनिंग है। ये जिन साइंसेस के साथ आप हमें कह रहे थे कि इन्होंने खुदा के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया, मैं ये कह रहा हूं उन्होंने तो टॉपिक ही नहीं बनाया। कहां बनाया वो बताएं, या इस पे माजरत करें, आगे बात करते हैं, फिलोसॉफिकल तरीके से बात कर लेते हैं। नहीं, आप तो सिर्फ पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, तो क्या डिस्कशन करने में कुछ मजा नहीं है। ठीक अच्छा है, मतलब मैं लीव पॉइंट करता प्रूव हूँ। नहीं हो रहा नहीं, यार, आप मान तो के जाए पॉइंट ना, पॉइंट नहीं, बिल्कुल आपको प्रूफ करना क्या है? चाहता हूं। मैं पब्लिक के सामने एक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं कि मैं 10 मिनट से नहीं किसी नहीं डंगर नहीं से ऐसा बात मैं नहीं कर आपसे, रहा, मैं मैं टाइम आप नहीं वेस्ट मुझको करना चाहता बोलने ही यार। नहीं देते, आप अच्छा मुझको बोलने ही बोलने नहीं ही नहीं दिया, दे रहे। आप मुझे बता दें फिजिक्स ने बनाया उसको, यार फिर बोलो ना। जब आप ये बोल के फिर ऊपर लेपापोची शुरू कर देते हैं यार, मैं आपको वही माने समझा रहा हूँ, गॉड का कंसेप्ट ही आ गया है जब साइंस इतना प्रोग्रेसिव नहीं था, तब गॉड का कंसेप्ट आया है। और आप जब प्रोग्रेसिव अभी, है ना, आप प्रोग्रेसिव है ना। साइंस, हाँ मैं साइंस वही ने बोल रहा हूँ टॉपिक ना, बनाया है, साइंस ने गॉड का टॉपिक बनाया कंसेप्ट है। डिस्कस हो रहा है। आप टेड टॉक्स देख लीजिए, आप डिफरेंट फोरम दीजिए, क्रिएटर प्यारे का भाई कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है आपका। आर वर्ल्ड ये तो हमेशा से डिस्कस हो रहा था। साइंस ने, फिजिक्स ने कहां पर इसको टॉपिक बनाया है, बायो ने अरे कहां पर बनाया है, जियो फिजिक्स ने कहां पर बनाया है, मेटा फिजिक्स ने कहां पर बनाया है, केमिस्ट्री ने कहां पर बनाया है, वो मुझे बताओ यार। क्योंकि नहीं आप बनाया तो मान जाओ ना। क्रिएटर को क्रिएट, भाई साहब आपको मालूम है यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितने मैंने जो यूनिवर्सेस पूछा हैं, है यार, आप इन्होंने क्यों नहीं, कंसीव ही नहीं आपने कर ये सकते गलत, हो ये। यार आरवर देखो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आपने गलत बात आके साइंस पे डाली थी और अब वो साबित होगी कि यार साइंस तो ये बात नहीं कर रही, तो आप अच्छा, ये आपको कहने के आपको लिए जो, क्या रुक जाओगे? नहीं, आरवर आपको जो देखो मैं साबित क्या, करना है कर लो। आरवर देखो आप झूठ तो ना बोलो, हाँ, पब्लिक को ये बताओ कि मैं यार झूठ नहीं नहीं बोल साइंस रहा ये हूं। नहीं कहती, साइंस ने ना फिजिक्स ने इसको टॉपिक बनाया ना बायो ने इसको टॉपिक बनाया, किसी साइंस जो बेसिक साइंसेस जिन्हें कहा जाता है उन्होंने खुदा के वजूद को टॉपिक ही नहीं बनाया, और आप कह रहे थे साइंस ने ये प्रूव कर दिया, तो आप एक गलत खबर डिलीवर कर रहे थे, उसको तो ऑन कर नहीं यार पब्लिक के सामने, पब्लिक का टाइम तो ना वेस्ट हो। क्या मैं ऑन करूँ या कि मैं झूठ बोल रहा था करके? तो और क्या कर रहे थे आप, अगर आप सच्चे हैं तो मुझे दिखाएं किस साइंस ने कहा है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चले झूठ ठीक क्यों बोलूँ? लेकिन झूठ क्यों लेकिन बोलूँ आप मैं ये तो, मैं पूछता हूं आपसे, क्यों बोला आपने, आपने क्यों कहा मैं साइंस वही ने ये बोल रहा हूँ, प्रूफ मैं कर झूठ दिया, क्यों बोल, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसलिए समझना झूठ नहीं बोल रहे चाहते थे? हैं। अरे मैं, हाँ ठीक है, मान लिया आपके हिसाब से मैं झूठ बोल रहा था, मेरे अभी तो हिसाब मैं से बोल नहीं, सकता अभी हूँ। साबित हो जाएगा आरवर्ड, अभी साबित हो जाएगा झूठ क्या था सच क्या था। बताएं साइंस की किस यूनिवर्सिटी में, साइंस के किस सिलेबस में, बेसिक साइंसेस के कौन सी बुक है जिसके अंदर ये देखो, टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, आप सच और झूठ पता चल, आप कह रहे नहीं यार आप ऐसे ना ब्राउनी करें, पॉइंट आरवर्ड प्रूव ऐसे नहीं, करना चाहते हैं, आरवर्ड ऐसे नहीं, आपने सच बोला ना, मेरे ब्राउनी हिसाब से पॉइंट आप आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, आप डिबेटर चले हो, ब्राउनी पॉइंट आप प्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई यार ये बड़ी बात बात नहीं है, नहीं मैं डिबेटर नहीं हूं मेरे भाई, मैं आपका भाई हूं, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। अगर तो आपने सच बोला है तो वो कहीं पर तो पढ़ाया जाता होगा ना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, फिर ही रिजेक्ट होगा, जब पढ़ाया ही नहीं जाता रिजेक्ट कैसे कर दिया उसको? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, जैसे आपने क्लासिकल फिजिक्स के एग्जाम्पल दे दिए कि ऑब्जर्वर है, लेकिन आपको एक बात भी मालूम होनी चाहिए, फिर ऑब्जर्वर भी जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स है ना, उसको इन्फ्लुएंस करता है, ये बात प्यारे आपने भाई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सीखी है कि नहीं? प्यारे भाई प्यारे भाई, अगर आपकी ये हाँ बात अगर कंप्लीट हो गई है, आप पब्लिक के लिए आप कहना चाहते हैं कि आपने गलत खबर ट्रांसफर की थी, तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपके अगले पॉइंट पे आके आपसे पूछता हूं कि साइंस के बारे में, साइंस है क्या दरअसल, ये ऑब्जर्व साइंटिफिक मेथड क्या है, ताकि लोगों को यार कोई जानकारी जाए, क्या साइंस है कहते हैं फैक्ट आप फाइंडिंग, फैक्ट प्यारे? फाइंडिंग है,
अरे भाई फैक्ट फाइंडिंग, चलो ठीक है प्रूवन ओके, एक्सपेरिमेंट के साथ जो रिपीट पिछली किए बात जा सके। हाँ यार, पिछली बात खत्म कर दें हम अभी, वो प्रूवन फिर देखते हैं कि कैसे प्रूव होता है, उसका तरीका कार क्या है, फिर देखते हैं कि जो जो चीजें आप बयान कर रहे हैं वो कब प्रूव हुई हैं, उस पे फिर बात करते हैं। तो अब मुझे ये बता दें, एक बार तो कह दें यार कि आपने आपने झूठ बोला यार, पब्लिक को गुमराह करने की भाई कोशिश की। साहब, आपको लग रहा है मैंने झूठ बोला? झूठ बोला आपके हिसाब से, मेरे हिसाब मुझे से नहीं नहीं। लगता, नहीं आपके पास दलील दे दें फिर सच की, कि ये वाकई साइंस ने रिजेक्ट किया है, वो दलील दे दें, आगे चलते हैं। नहीं है साइंस तो ने फिर झूठ प्रूव, है ना। अरे साइंस ठीक है, फिर आपको साइंस का मतलब ही नहीं मालूम है? ओहो, ये बाद में डिस्कस कर लेते हैं ना, कि साइंस का मतलब आपको नहीं मालूम या मुझे नहीं मालूम, वो भी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। मैं तो इतना साइंटिफिक मेथड, प्रोग्रेस बाय द वे हार्वर्ड, हार्वर्ड, किसी एक मिनट, रिलीजन ने बाय द वे, टूल्स एक नहीं मिनट, एक दिया मिनट, है एक मिनट यार, एक अपने मिनट, को एक मिनट, पहले कम्युनिकेशन मैं, के, साइंस ने यार टूल्स हार्वर्ड, दिए। हाँ हार्वर्ड, हार्वर्ड, देखो बोलिए। दलील भी कोई नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपको साइंस का नहीं पता। हाँ, हार्वर्ड को साइंस का पता है और मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मैंने आपकी आंखें करेक्शन करवा दी कि नहीं भाई, ये ना फिजिक्स में इसको टॉपिक बनाया, क्योंकि मुझे पता नहीं था। और मैंने आपको बताया कि एक साइंटिफिक मेथड होता है, उसका सबसे पहला स्टेप जो है वो ऑब्जर्वेशन है, और मुझे साइंस का नहीं पता, हार्वर्ड को पता। यानी कि सारी एक्सप्लेनेशन जो बुनियादी चीजें हैं वो मैं बता रहा हूं, और इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं, और मुझे नहीं पता। और हार्वर्ड जो कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, हाँ आपके हिसाब से मैं झूठ बोल रहा हूं, हाँ मैं बात को घुमा रहा हूं, हाँ इस साइंस में नहीं है, आपको पता है साइंस का। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस पे बात करना चाहता हूं कि साइंस क्या है, मैं आपसे आगे बात करना चाहता हूं, लेकिन गलत खबरें, चलो खैर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये साइंस क्या होती है, हार्वर्ड, ये साइंस क्या होती है। साइंस से ऑब्जर्वेशन और जो इवेंट्स हैं वो डेफिनेट थ्योरी के साथ प्रूव करना, और एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करना, और एक्सपेरिमेंट वो रिपीटेटिव होनी चाहिए। कि अरे ऐसा नहीं है भाई, कि आर वर्ल्ड ने एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सल होनी चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए, कि इसी एक किसी को एक्सपीरियंस मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपकी बात ये है कंप्लीट हो गई, साइंस। हाँ बोलिए। ये साइंस नहीं है, ये साइंटिफिक मेथड है प्यारे भाई। तो वही साइंस हो गया साइंस और साहब। साइंटिफिक मेथड और साइंस में थोड़ा सा फर्क करें, ऐसे ना करें यार। एक प्रोसेस है कि उसको कैसे जाना जाएगा, फैक्ट तक कैसे पहुंचा जाएगा। साइंस दरअसल कोई शख्सियत नहीं है कि वहां पर बैठा हुआ और उसने कुछ कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि साइंस, ये साइंटिफिक मेथड की आपने बात की, ये साइंटिफिक मेथड जो है ये इंसान अपनाते हैं, या कोई बंदर है, या कोई हवा में से कोई चीज आके वो ये सारा कुछ करती डेफिनेटली इंसान ही अपनाएगा। है, इंसान करता है। अच्छा, ये जो कायनात है ये तो फिर साइंस ने बनाई होगी, यानी कि इंसान नहीं, इंसान ही ये सारी चीजें इंसान नहीं तय की ना, इंसान ने बनाई मैंने होगी अपने एक्सेप्ट आप कर को। दिया ना कि ये मैं ना प्रूव कर सकता हूँ क्रिएटर है कि नहीं मैंने है, क्रिएटर की बात मैंने ही आपको छोड़ दी, बोला ना। मैंने मैंने क्रिएटर की बात ही छोड़ दी, ये हाँ कायनात बोलिए। तो साइंस ने बनाई होगी ना फिर, क्योंकि इस कायनात में सबसे बड़ी चीज साइंस है, तो कायनात को यकीनन साइंस ने रूल्स बनाया होगा। रूल्स रूल्स फंडामेंटल रूल्स हैं, उस हिसाब से ही कायनात नहीं, बनी वो फंडामेंटल रूल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल एक फंडामेंटल रूल है कि एक है। बच्चा पैदा होगा उसके लिए उसके माता पिता को एक दूसरे के पास जाना पड़ेगा, ये साइंस ने तय किया है, ये रूल साइंस ने बनाया था। तो रूल्स किसने बनाया वो भी आप डेफिनेटली नहीं बता सकते ना। यार मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा किसने बनाया, मैं ये कह रहा हूं साइंस ने बनाया। साइंस किसी बनाने की बात नहीं है, साइंस फैक्ट फाइंडिंग का नाम है भाई साहब। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, फैक्ट फाइंड करती है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये कायनात को क्रिएट तो साइंस ने नहीं किया, ना आपको इसने क्रिएट किया। अच्छा, ये जो साइंस है, बिल्कुल हम इसके कायल हैं, क्योंकि हमारा मजहब कहता है कि आप मुशाहिदा करें और गौर व फिक्र करें, देखें और इन चीजों में आगे निकलें। मैं इस फिलहाल मजहबी बात नहीं करूंगा, मैं मंतकी ही बात करूंगा। अच्छा, ये जो साइंस है इसके बारे में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जमीन के बारे में जहां पर ये ओरिजिनेट हो रही है, हमारी साइंस है ना, इंसानों की साइंस है, साइंस कोई पर्सनालिटी नहीं है, दरअसल इंसानी जहन ही है, इंसानी अकल ही है, तो क्या ये इंसानी अकल जानती है कि ये जो इंसान, ये साइंस जानती है कि इंसान के अंदर ये जो शऊर मौजूद है, ये जो अकल मौजूद है, जिसके साथ ये साइंटिफिक मेथड भी बना रहा है, ये कहां से आई है, कैसे आई है, इसकी क्या हकीकत है, क्या साइंस ये नहीं जानती जानती, है। अभी तक नहीं ओ तेरा जानती, बोला, ओए होए होए, नहीं जानती। अच्छा ठीक है, नहीं जानती नहीं। मैंने समझा शायद जान गई हो यार, काफी देर हो गई अब। ब्रेन अच्छा ठीक ब्रेन भी हम लोग पूरा स्कैन नहीं कर पाए अभी तक, है, ब्रेन ओए की होए फंक्शनिंग। होए, अच्छा, यानी कि ये जनरेट हो रही है हमारे ब्रेन में और हमें अपने उसी ब्रेन का नहीं पता चल सका, यानी कि ये इस हद तक अभी साइंस जो है वो लाचार है। अच्छा, ये जमीन के अंदर जितने हकायक हैं, जितने हकायक जमीन के अंदर मौजूद हैं, क्या इसने सबको कशफ कर लिया है साइंस ने? नहीं नहीं किया।
अच्छा, है। इंसानों के जितने मसाइल बनते हैं, क्या ये उनको जानती है और उनको खत्म करने की सलाहियत रखती है आज? देखो जो ऐसा ऐसा है ना, आपको जो अगर यूनिवर्स मालूम नहीं यार है मैंने तो क्या पूछा, कह रहे मेरे भाई को यूनिवर्स आज को तक छोड़ नहीं किया दो। है, मैं वही बोल रहा हूँ आज तक नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं करेंगे। हाँ ओ यार, जब जब करेगी तो तब तब हकीकत बनेगी ना। जब किया ही नहीं तो मैं पहले ही मफरूजा कायम कर लूं कि कल को ये परफेक्ट हो जाएगी। अभी तक तो जो हमारे सामने परफेक्ट नहीं हो रही, बल्कि ये होता है कि बहुत सारी पिछली चीजें जो हैं उनको आके साइंस करेक्ट करती है कि यार पहले हम ऐसा सोच रहे थे, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है साइंस में? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ये बिल्कुल साइंस करेक्ट जो है, ये करते साइंस आपने कहा कि ये इंसानों के बारे में 100%। यार आपकी अली पिछली भाई, आवाज आपके पास 5 मिनट है। मैं समझता हूँ कि 5 मिनट में अपना कैलकुलेट कर दीजिए जो करना है, फिर इंशाल्लाह मैं जो सर हमारे एक मिनट में दूसरे भाई, को। मैं आपसे ही जी कह आप रहे हैं, मैं बहुत सिर्फ माधुर एक अच्छा मिनट में जी वाइंड बो अप कर देता हूँ, मैं बिल्कुल एक जी दो जी मिनट ही लूंगा। आरवर्ड भाई, मैं आपको ये गुजारिश करना चाहूंगा, बात तो काफी हो चुकी, कि एक ऐसा सही है। स्केल है मेरे प्यारे भाई, देखो एक ऐसा स्केल है जो अभी इंसान के बारे में नहीं जानता, तो वो कैसे मुमकिन है कि इंसान के क्रिएटर के बारे में जानने लग जाए जो महदूद है। आप देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एक एक आप हमारे घर में पालतू जानवर भी बाज दफा हम रखे, फॉर एग्जाम्पल एक तोता रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ता रखा हुआ है, घरों में हम रख लेते हैं उनके सामने, वो क्या कुत्ता है या वो जो जानवर है कोई भी रखा हुआ जो पेट है हमारा, क्या हम वो जानता है कि हमारा क्या इरादा है? क्या वो जान सकता है कभी नहीं, कि हम अपनी जिंदगी के बारे में क्या इरादे रखते हैं, क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं जान सकता, क्या वजह? अगर वो इनफ इंटेलिजेंट हो तो जानेगा। तो वो नहीं है ना, क्यों नहीं है उसके अंदर? दिमाग तो उसके इंटेलिजेंस पास भी है तेरे भाई, दिमाग इंटेलिजेंस तो है उसके आहिस्ता पास। आहिस्ता इवोल्व होती है, उनकी क्यों नहीं हो रही, क्यों रुकी हुई है? वो तो टाइम स्पेंड इतना ज्यादा है आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे ह्यूमन डेवलप हो गए, ह्यूमन अच्छा थोड़ी ना तेरे भाई, 10,000 साल में चलो डेवलप हुए, फॉर एग्जाम्पल उनकी डेवलप होते होते अब तो नहीं है ना, हम तो बहुत फैक्ट पे बड़ा बात टाइम करेंगे जो स्पेंड लगता है सामने। उसके लिए। चलो पहले भाई, अब तो फिर हम उनके बारे में दावा नहीं ना कर सकते। वो अब अच्छा जान सकती है दावा, अगर आपने कोई मैं पेट रखा हुआ है, अगर अगर कोई आपके साइंस घर नहीं में पेट जानता है है। ना, साइंस अगर हाँ क्रिएटर के बारे में नहीं जानता है तो कोई फिलोसफी नहीं जान सकती है, मैं आपको लिख के देता ये हूँ। साइंस का वो हाँ टॉपिक ही नहीं है, वो हाँ तो टॉपिक ही नहीं, मैं उस टॉपिक पर ही बात नहीं, नहीं कर रही। नहीं यार मैं साइंस, जो मैं समझाना साइंस चाह में रहा हूं, जो हार्वर्ड ब्रेन्स पैगाम है दे वो रहे हैं। सबसे अच्छे ब्रेन्स है। हार्वर्ड भाई देखो, हमारी जिद कोई नहीं, मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, अगर आप ले लें, हाँ बात तो लीजिए ना, हमारी हो गई एकदम उसमें। अच्छा रहता है। हाँ 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 पहले भाई, बिल्कुल मैं पैगाम देना चाहता हूँ, मेरा पैगाम ले लें। पब्लिक ने भी इतनी हमारी बात दोनों की सुनी, तो यार उनको एक पैगाम चला जाए। अगर मेरा पैगाम गलत हो तो आप मुझे काट दीजिएगा, अगर ठीक है तो उसको स्वीकार कीजिएगा और कहिएगा यार बात ठीक है, मैं उस पर गौर करूंगा, और दोबारा गौर करके आ जाइएगा, उस पर बात भी कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहते बिल्कुल, हैं? हाँ दीजिए ना अच्छा पैगाम दीजिए। हाँ बिल्कुल यार, मेरा पैगाम सुने। अभी मैंने ये जो हाँ एग्जाम्पल दी कि हम कोई पेट रख लेते हैं, जो मर्जी हो जाए वो हमारे इरादों के बारे में नहीं जानता। एक मिनट म्यूट कर लीजिएगा, आपके पीछे से यार शोर बहुत आता है, हाँ म्यूट कीजिएगा प्लीज। मैं करता हूँ, हाँ म्यूट कर अच्छा, ले। वो जो पेट है वो नहीं जानता कि ये घर जो है, जो मैंने बनाया है, वो कब से बनाया है, क्यों बनाया है, कब तक बनाया है। वो ये भी नहीं जानता कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। वो ये भी नहीं जानता वो पेट, कि मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उसको कब तक रखूंगा। ये सारी चीजें मैं जानता हूं, आप जानते हैं, वो नहीं जानता। वो हमारे इरादे को दर्क नहीं कर सकता, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल उसके सामने कोई सिस्टम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने घरों के अंदर एक ऑटो सिस्टम लगाया हुआ होता है, अक्सर घरों में है, कि वाटर टैंक जो है वो जब उस नीचे वाले लेवल पे पहुंचता है तो खुद ही ऑन हो जाता है, वो चलता रहता है, जब भर जाता है दूसरे लेवल पे पहुंचता है तो रुक जाता है, उसके सामने कोई नहीं कर रहा। अब उसको तो यही लगेगा कि ये भाई खुद ब खुद ही हो रहा है। अब जो वो ये फैसला कर रहा है अपनी महदूद अकल की बुनियाद पे, और जो फैसले कर रहा है उससे जो नतीजे निकालने की कोशिश कर रहा है, क्या वो दुरुस्त है? आरवन, बस यही मेरा पैगाम। बोलिए भाई, फिर मैं हाँ बोलू नेक्स्ट मैं, कॉलर हाँ की तरफ जा रहा हूँ। जी जी बोलू बोलिए मैं। सर अच्छा जी, सवाल आपने सुनी है। मैं कुछ अभी बहस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, साइंस में जो काम कर रहे लोग वो टॉप क्लास के ब्रिलियंट लोग हैं। जैसे पहले फिलोसॉफी रिलीजन में काम करते थे लोग, और किसी का भी कोई भी ये हो, लेकिन साइंस जो करता है वही सही है, और आज का रिलीजन साइंस ही है। थैंक यू, चले चले, चलो जी आपने अपना बहुत आखिरी शुक्रिया आखिरी पैगाम दे भाई। दिया, ठीक है जी आरवर्ड साहब शुक्रिया। आप अभी कह रहे थे कि वो साइंस इस हद तक लाचार है कि आपके दिमाग को नहीं जान सकती, इस कायनात को नहीं जान पाई, हमें नहीं जान पाई, हमारे मसाइल हल नहीं कर पाई,
और उसको आप कह रहे हैं कि इंसानी मसाइल का हल है, अगर ये हल होती तो आज लोग भूखे ना मर रहे होते। अगर साइंस के पास कोई हल होता तो जिस तरह साइंस साइंस की चीखें लग रही हैं तो इंसानियत के तमाम मसाइल ये हल कर लेती। इसके पास इसका जैसे खुदा टॉपिक नहीं है, इसी तरह इसका इंसानी मसाइल भी साइंस का टॉपिक ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। इसका जिस दिन टॉपिक होगा ना ये, उस दिन शायद कोई हम इस पे गौर करें, वरना इंसान की भूख खत्म करने के लिए, इंसानों के दरमियान नफरत को खत्म करने के लिए साइंस ने कुछ ईजाद नहीं किया। हाँ, साइंस ने बहुत सारी ऐसी चीजें ईजाद की हैं कि जल्दी मारो इंसानों को, एक धमाका करो और हजारों लोगों को की जान ले लो। साइंस ने ये तो दिया है, साइंस ने आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा तरीका नहीं बताया कि आपको मिलकर कैसे बैठना, ये हमेशा आपको रिलीजन ने बताया। यानी कि दरअसल मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि रिलीजन वो कोई भी हो, वो हिंदुइज्म हो, वो इस्लाम हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, कोई हो, उसके अंदर कमियां कोताहियां हो रिलीजन के अंदर, लेकिन वो इंसानी मसाइल से बहस करता है। वो उसको हल कर पाए या ना कर पाए, कम से कम उसकी प्रायोरिटी वो है, और साइंस की प्रायोरिटी ये नहीं है, ना खुदा ना इंसानी मसाइल। वो की चीजें कशिश करता है कि इस कायनात के अंदर चीजें कैसी, उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है, या उनसे इस्तफादा कैसे किया जा सकता है। और फिर जब वो चीजें बन जाती हैं तो वो भी फ्री में आपको नहीं मिलती मेरे भाई। वो क्रिएटर जिसने आपको सारा कुछ फ्री दिया है ना, ये साइंस ने अगर मोबाइल बना दिया, कुछ बना दिया, तो आपको फ्री नहीं दे रही। उसको तो अपना काम चाहिए, उसको पैसे चाहिए, वो मिल रहे हैं भाई। या मुझे बताओ कि साइंस ने कोई ऐसा काम किया हो, खुदा ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने इस कायनात को बनाया और बारिश बरसा रहा है ताकि पूरी इंसानियत और जिंदगी जो है उसे फ्री में उससे इस्तफादा करे। साइंस ने क्या बनाया मुझे बताओ जिससे कोई फ्री में इस्तफादा करता है। साइंस का जो फिलहाल भी चल रही है उसका मकसद देखो, आपको अभी तक ये फर्क नहीं समझ आया कि उसके मौजूदात क्या है, उसकी तरजीहात क्या है। और अगर वो कुछ चीजें बनाती है तो वो कभी इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए फ्री में नहीं तकसीम की जाती, उनकी भारी ऐसे कीमत रखी जाती है। तो खैर, मकसद ये कि उनका इंसानी मसाइल उनका मौजू ही नहीं था। अगर आप कहते हैं कि साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है और इंसानी मसाइल उसका मौजू था, तो इंसानी मसाइल तो मेरे प्यारे भाई बड़े हैं फिर साइंस के आने से, इसने तो नहीं हल किए। जब तक मजहब थे, मजहब ने बड़ी हद तक शांति रखी, अब ज्यादा फसाद आते हैं।